गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सॉल्यूशंस जो है उनके बारे में पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उसमें घुले हुए सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उस सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उनको हम क्या कह देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हम इनको प्रूफ करेंगे कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं या नहीं करती, तो वो सारी बातें हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन के अंदर वो फोर टाइप की होती है। ठीक है, फोर टाइप है इनकी। तो फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट कौन सी, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग का मतलब होता है कम हो जाना, और एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। और फोर्थ जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड है एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम इनको एक एक को पढ़ेंगे और हम साथ साथ में ये भी प्रूफ करते जाएंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। और इसी के साथ हम इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास की भी बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ही अंदर, क्योंकि ये टॉपिक जो है इसके अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसी के ऊपर आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल भी आएगा। तो अपने को इनको पढ़ना है और इनको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है आपको, हर चीज जो है वो आपको आनी चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो लोबरिंग इन वेपर प्रेशर हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या है, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। वैसे तो हम लोगों ने रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला एक अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं।
हम एक चीज तो ये जानते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है जब उसके अंदर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है यानी कि पी नॉट माइनस, हमने ये पढ़ा था पी नॉट माइनस पी एस, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, लोगिन इन वेपर प्रेशर, इसको हमने ये नाम दिया था, आप पिछले नोट्स में देख सकते हैं। तो लोगिन इन वेपर प्रेशर है। फिर इसके बाद में इसी को अगर प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं, रिलेटिव लोगिन इन वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक, यहां पर मैं अभी एक फार्मूला बनाऊंगा, तो वो फार्मूला देख कैसे आता है। देखो, मान लिया कि ये सॉल्यूशन है, क्लियर, इसके अंदर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, ये सॉल्वेंट था और ये टोटल दोनों मिलाकर क्या बन गए हैं, सॉल्यूशन बन गए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है। अब राउल्ट लॉ को एक बार याद करते हैं। राउल्ट लॉ ने क्या कहा था कि ये जो टोटल प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा, वो किसके इक्वल होगा, पीए प्लस पीडी के, ऐसे लिखते थे हम लोग। और अब अगर बात करें, ये वाला तो नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल की तो वेपर बनेगी नहीं, अब इसकी अगर वेपर ही नहीं बनेगी तो इसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है टोटल, वो किसके वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल, क्लियर ना। तो फिर अब हम जब फार्मूला बनाएंगे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो अपने को दूसरा कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूट को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिखेंगे, क्लियर। तो देखिए, अब मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करता हूं। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो पी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए, ठीक है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, एक्स ए के, यानी कि हमने क्या करा, ए और बी को मिलाकर कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाया था। देखो, ए और बी को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं इस बात को। इसके अंदर ए जो है वो सॉल्वेंट है और बी जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है ना। तो अब बी जो है वो नॉन वोलेटाइल था, इसलिए उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का, वो किसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओनली सॉल्वेंट के, ठीक है, सॉल्यूट का तो उसमें रोल ही खत्म हो गया। तो फिर मैंने अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये लिखा है, पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ए जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी, एक्स ए जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ये जो ए है सॉल्वेंट, इसका मोल फ्रैक्शन है ये, क्लियर। अब इसको देखो, अपन सॉल्व करते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, तो ये साइन हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, पी नॉट ए आ जाएगा, क्लियर है। चलो, तो यहां मेंशन कर देते हैं कि पी नॉट ए जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्लियर। अब देखो, अब यहां आपने को एक चीज देखनी है कि हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन होता है, हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी हो जाएगा क्या, ये तो होगा। अब देखो, अगर ये ऐसे होगा तो फिर इस वैल्यू को उठा के मैं इस इक्वेशन में रख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, पी एस इज इक्वल टू p
P0A 1 माइनस x b, क्लियर है? चलो इसको ओपन करो ब्रैकेट को, PS इज इक्वल टू P0A माइनस P0A x b, ठीक है। अब यहां थोड़ी सी इंटरचेंजिंग कर रहा हूं मैं, देखो मैं इसको तो उधर लेके जाऊंगा, इस वाले को उधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है प्लस का है, ये देखो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया, और ये वाला माइनस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहां देखो एक्स बी इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, इसको उठा के इधर लेके आओ, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, क्लियर है। इसको ध्यान से देखो ये क्या लिख दिया है, ये है रिलेटिव लो ब्रीकिंग वेपर प्रेशर, और किसके इक्वल है ये, सोल्यूट एक्स बी जो है किसका मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि रिलेटिव लो ब्रीकिंग वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, एक्स बी के। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, है ना, इस पे कौन डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ये वो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्लियर हुई ना बात। अब इसको मैं हम और आगे एक फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं इसका, तो ये सारी चीजें आपने नोट करते जाने साथ साथ। देखो वी नो एक्स ए इज इक्वल टू, देखो एक्स ए इज इक्वल टू होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो एक्स बी को उठा के यहां रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, क्लियर है ना। तो ये ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको और देखो और सॉल्व कर देते हैं, बिकॉज एन ए इज वेरी लेस देन एन बी, सॉरी एन बी इज वेरी लेस देन एन ए, ठीक है। ए तो सॉल्वेंट, बी जो है वो सोल्यूट है, और सोल्यूट की अमाउंट जो है बहुत कम है, तो हम लोग इस ये वाले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, नीचे जो है इसमें से एन बी को क्या कर देंगे, यहां पर हम नेगलिजिबल मान लेंगे। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू याद आएगा एन बी अपॉन एन ए, क्लियर है ना। तो एन बी अपॉन एन ए, ठीक। अब क्या करना है, वी नो कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम होता है, W upon number of mole is equal to होता है, weight upon mass होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस formula में हम ये दोनों को रखेंगे उठा के। तो देखो यहाँ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, N A is equal to क्या होगा, W A upon M A, और N B is equal to क्या हो जाएगा, W B upon M B, ठीक है। दोनों को उठा के इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो ये बनेगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू, देखो ऊपर ये है तो इसको लिख देते हैं डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू सॉरी एम ए इनटू ये वाला जो टर्म है, ये क्योंकि नीचे
नीचे रखेंगे या यहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी क्या? हां देखो क्या कर दिया, एन बी जो है यहां आएगा, सॉरी ऊपर है ना एन बी, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और क्योंकि ये एन ए नीचे है, ये वाला जो है ये हम नीचे रखेंगे तो डब्ल्यू ए जो है वो तो क्या कहां आएगा यहां, और एन ए जो है वो यहां आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, क्लियर। यहां पर ये याद रखना बी जो है एन बी वो क्या है, सॉल्यूट के मोल है, और एन ए जो है वो सॉल्वेंट्स मोल है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाना, कहीं पे कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या होगा, तो इस प्रकार से ये ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे कर लेना आपने। और एक में जैसे पुरानी बुक्स के अंदर एक इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, देखो ये सब आपने नोट कर लेना। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि n स्मॉल n हुआ, मतलब सॉल्यूट को हमने स्मॉल n मान लिया, और जो सॉल्वेंट है उसके मोल को हम कैपिटल n मान लेते हैं, ठीक है। n a और n b वाले चक्कर से निकलने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का जो है उसको तो स्मॉल n मान लो नंबर ऑफ मोल्स को, और सॉल्वेंट के जो मोल है उसको कैपिटल n मान लो, तो a b वाला चक्कर ही नहीं पड़ेगा। ये देखो स्मॉल n अपॉन n, और यहां फिर क्या आ जाएगा, स्मॉल n जो है वो वैल्यू लेस देन है किसके, कैपिटल n के। तो हमने क्या कर दिया यहां पर, इसको ये मान लिया है ना। दूसरा डेरिवेशन मैं बता रहा हूं, आप इसको ऐसे कर सकते हो, n अपॉन n मान लिया, w अपॉन n होता है। तो अब देखो यहां इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूट है ना, ये देखो तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल n होगा, और n b जो है सॉरी ये सॉल्वेंट है, तो ये होगा कैपिटल w अपॉन कैपिटल m, और ये जो है क्योंकि सॉल्यूट है तो ये होगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ठीक है। तो यहां जब आप इसको रखोगे तो देखो क्या बन जाएगा, सॉल्यूट के मोल ऊपर आएंगे w अपॉन स्मॉल m आएगा, और सॉल्वेंट जो है इसके मोल के नीचे आ गए तो फिर क्या करेंगे, कैपिटल m अपॉन कैपिटल w, ठीक है। तो वो फार्मूला ऐसे भी बन जाएगा, n a b वाला अगर आपको सही लगता है फिर आप उसको कर लेना, बट मुझे ये ज्यादा आसान लगता है, इसमें a b का चक्कर नहीं है। कैपिटल m जो है वो सॉल्वेंट के मोल है, और स्मॉल n जो है वो किसके हैं, सॉल्यूट के मोल। समझ में आया ये वाला। अब देखो, अब मैं आपको इस पे एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, और वो न्यूमेरिकल आप लोगों ने करना है और मुझे उसका आंसर बताना है, ठीक है। आज हम एक ही करेंगे, और इसमें भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, वो न्यूमेरिकल मुझे करके बताना है। देखो एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 92.0 mmHg। आफ्टर मिक्सिंग 18.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 87.0 mmHg, ठीक है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं,
65 डिग्री वेपर प्रेशर है इसका वाटर का 92 एमएम, यानी कि ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो 92 है यानी प्योर सॉल्वेंट का। इसमें फिर हमने क्या किया, 18.2 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था वो मिक्स कर दिया, और कितना वाटर लिया हमने 100 ग्राम वाटर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना डाउन हो जाता है, 87 आ जाता है, मतलब पहले 92 था अब 87 हो गया, तो सॉल्यूशन का जो कितना हो गया 87 और सॉल्वेंट का कितना हो गया 92। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास का जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर जो है वो